हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो यूजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बारे में। जो महाराष्ट्र का यूजी सीईटी एग्जाम है उनका एप्लीकेशन फॉर्म है, काफी टाइम पहले आ गया था लेकिन काफी बच्चों को अभी तक इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी भी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपके पास में अभी भी टाइम है तो जल्दी से जो भी बच्चे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, और अभी तक जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है वो भी प्रोसेस में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो को देखें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए जो महाराष्ट्र 2024 का एमएचटी सीईटी का जो एग्जाम है उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पीजी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, यूजी के लिए बता देता हूं कि जो बच्चे महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह एंट्रेंस टेस्ट है। अब काफी बच्चे ये पूछते हैं कि हम राजस्थान से हैं, यूपी से हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं, क्या हम भी महाराष्ट्र का यूजी सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं? हाँ जी हाँ, आप इलिजिबल हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हैं आप महाराष्ट्र का यूजी सीईटी एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बस यही है कि जो भी क्राइटेरिया वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, वो सारी चीजें आ चुकी है। देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट 16 जनवरी से 1 मार्च तक आपका चलेगा, तो 1 मार्च से पहले जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है वो कर लेना। बाकी जो देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 16 अप्रैल से आपका 30 अप्रैल 2024 तक है आपका जो भी एग्जाम का डेट है, ठीक है। ये आपको एग्जाम डेट टाइमिंग है वो दे रखा है, सबका अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा, उसके ऊपर आपको डेट मेंशन करके दे दी जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। वो अभी कोई डेट अनाउंस की नहीं है लेकिन एग्जाम से एक वीक पहले आ जाएगा, लगभग आपका 10 अप्रैल के समथिंग एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा उनको 7:30 बजे जाना, जिनका आफ्टरनून सेशन में एग्जाम होगा उनको 12:30 बजे जाना है, ठीक है। ये आपका पूरा शेड्यूल दे रखा है। उसके बाद में देखो जो पीसीबी ग्रुप के हैं उन बच्चों का भी अलग से शेड्यूल है। पीसीबी और पीसीएम ग्रुप दो ग्रुप के यहाँ पे बच्चों का एडमिशन होगा, मतलब दो ग्रुप के पेपर होंगे, एक तो पीसीएम ग्रुप का पेपर आएगा एक पीसीबी ग्रुप का आएगा। अगर आपके पास में 11th 12th में पीसीएम या पीसीबी ग्रुप है तो इस एग्जाम के लिए आप इलिजिबल है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कोर्स में एडमिशन देगा, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, उसके बाद कम्युनिटी साइंस है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। जो भी आप इन कोर्सों में यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन बीटेक के लिए पीसीएम ग्रुप कंपलसरी है, ये चीज यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस इसका आपका 11th और 12th का है, जिसमें 11th का बहुत कम पार्ट रहता है, मैक्सिमम पार्ट आपका 12th का रहता है। 11th स्टैंडर्ड का आपके 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में और 40 क्वेश्चन है वो आपके 12th से पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या तो आप पीसीएम ग्रुप चुनोगे तो बायो की जगह आपका मैथ आएगा, और पीसीबी ग्रुप चुनोगे तो आपके मैथ की जगह बायो आएगा, ठीक है। बायो में भी आपके 100 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न आपको पता चल गया, नीचे ये सिलेबस भी आपको इसमें दे रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस मतलब एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कर दो, ज्यादा कोई एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी नहीं है, 700-800 रुपए यार आप ऐसे उड़ा देते हो, और काफी चीजों आपको सीखने को भी मिलती है, अलग अलग स्टेट के एग्जाम देते हो तो ये देखो 800 रुपए आपका फॉर्म फीस है, और जनरल कैटेगरी से जो भी है उनके 1000 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, ठीक है। तो सारे बच्चे हैं वो एनरोल कर सकते हैं। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है, ऑनलाइन सीबीटी बेस आपका एग्जाम होगा, ठीक है, टाइम टेबल आपको दे रखा है, ये सारा ब्राउचर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं, और जो बच्चा इंटरेस्टेड है डेफिनेटली इस एग्जाम को जरूर दे, आप जो भी सेंटर चुनना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद के अनुसार ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। हालांकि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट थी, काफी बच्चों का अपने स्टेट में एग्जाम नहीं हो पाते हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी एक एक्स्ट्रा मौका है जिन्होंने पीसीबी पीसीएम ग्रुप से पेपर दिया है, तो वो सभी बच्चे भी इसके लिए एनरोल जरूर करें जो बच्चे यूजी में है। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पसंद जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।